अब पूर्वांचल राज्य की बात चल रही है, प्रत्याशी जी बोल रहे हैं कि पूर्वांचल राज्य बनेगा और जो है उसकी राजधानी बनेगी। इतना इस खैर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। मोबाइल थोड़ा सा नीचे करिए आप लोग। भाषा ऐसी बदलेगी, ऐसी बदलेगी कि आप यकीन नहीं होगा कि ये हुजूर वही थे। अभी कह रहे हैं कि घरेलू बिजली जब सरकार बनेगी तो पूरा घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया। अब तक पंडित जी ने बताया था कि नहीं करना है, अब तक पंडित ने बताया था नहीं करना है। कभी कुछ किया है कि आपकी बातों पर कोई भरोसा करे? अरे बनारस जैसे यहाँ भी स्टेडियम बने गुआ का खरंजुआ बना लिया ना अपने गुआ का बन गए गुआ वाला खरंजुआ। एक तारीख के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। वो तो उनसे पूछे ना, आपको समझ नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं। आपको समझ ना, वो शांत हो जा रहे हैं तो मैं उनका प्रवक्ता थोड़े हूँ कि क्यों शांत हो रहे, इस बात का मैं जवाब दूँ। आपका चुनावी एजेंडा क्या क्या है? जो 10 सालों से सेवा संघर्ष और त्याग कर रहा हूँ, अगर वो भावना रहेगी सर्वांगीण विकास अपने आप होता है। यहाँ जो बुनकरों का किसानों का पूरा हाल है, फ्लैट रेट खत्म हो गए, उद्योग धंधे तो है नहीं, सब खत्म हो गए, नौकरियाँ मिल नहीं रही है, GST लग गया, पलायन हो रहा है, किसान जाड़े में अपने खेतों की रक्षा जानवरों से और घर में बिजली के तारों से करते हैं, कहीं आग में रोजगार लग जाए, नौकरियाँ खत्म हो गई, हमारे नौजवान बेरोजगार है। जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर से पैसा नहीं आएगा, यहाँ आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करके यहाँ उच्च शिक्षा संस्थान को, सरकार कोई भी हो, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सारे बेरोजगार भी नहीं हो सकते, जिसकी सरकार में हो रहा है पेपर नहीं मिल रहा है, लेबर मिल रहा है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, हम ऐसे सेंटर खुलवाएंगे कि वहाँ सस्पेंड करके कौन किस लायक है उसकी उसे ट्रेनिंग दे के, प्राइवेट में नौकरी हो या उसके हिसाब से कोई रोजगार छोटा लघु उद्योग धंधा वो हो, तो आने वाले 5 सालों में सबसे कम बेरोजगार मेरे लोकसभा में हो। और ये बात कर बोलूँ, मैंने पिछले 5 सालों में अपने प्रयास से घोसी के बेरोजगारों को मजबूत बनाया है, उनको नौकरी रोजगार दिलाया। घोसी में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे क्या? अभी क्या बोला था, पूरा रामायण हो गया सिद्धौर के बाप था। नहीं कहा, एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिल्ली और बम्बई और गुजरात जाना पड़ता है काम करने, और वहाँ की स्थिति ये है कि इनको कुत्ते जैसे वहाँ पे लथाड़ा जाता है, तो क्या सरकार बनती है तो उसके बाद क्या यहाँ पे जो लोग बॉम्बे में हमारे नौजवानों को कुत्ते की तरह लताड़ते हैं, अपने गोला पिटाई करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर आपसे वोट मांगते हैं, वही लोग हैं ना जी जो महाराष्ट्र में, वही यहाँ लोग हैं जी। यहाँ के जनता उनसे बदला ले, और निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने घर का बच्चा अपने घर में नौकरी करे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा दूर जाए। मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि घोसी में इतनी व्यवस्थाएँ कर दूँ कि एक नहीं तो कोई और रोजगार धंधा नौकरी प्राइवेट सरकारी हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने दुनिया की आधे से अधिक मुल्क देख चुका हूँ, मैं दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमी देखा हूँ, दुनिया के बहुत सारे देशों को इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा है, मेरे पास इतना अनुभव जानकारी की कमी है, नौकरी की तलाश है। अगर घोसी के मालिक मुझे मौका देंगे तो मैं इसको दिखाऊंगा जमीन पर। मेला घूमने वाले किसको बोले हैं आप? मेला घूमने वाले कौन है? मेला घूमने घर लुटनी कौन है? मेला घूमने का शब्द का इस्तेमाल हमारे पहली बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे महान समाजवादी चिंतक संजीत कपिलदेव, और फिर हमारे गुरु जयशंकर सर ने कहा था जो बार बार लोग हर चुनाव में अलग अलग चले जाते हैं, कभी इस पार्टी से कभी इस तरह से, कभी उस सिंबल से कभी उस सिंबल से, कभी यहाँ रहकर उनको गाली देना, कभी उनको बोला कि उनको गाली देना, जनता को बेवकूफ़ बनाना, ऐसे वो सारे लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, उन्हें मेरा घूमने कहा जाता है। और जो मंच से खड़ा होकर लूटने की बात करें उसे मेरा लूटने कहा जाता है। गाड़ी लूटने के बाद पे समाजवादी मुकदमा कराएंगे क्या? मुझे तो लगता है कि प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आप बताइए, आप पत्रकार हो और आप यहाँ खड़ा होकर रोड पर बोलो कि जो गाड़ी जा रही है उसमें से लूट लो, 10 लाख हो तो 9 लाख पॉकेट में रख लो, 1 लाख रुपया पुलिस को दे दो, तो कितने मिनट लगेगी पुलिस को आपको अरेस्ट करने में? आप बताइए, कुछ सवाल पूछिए आपके तरफ से कोई। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या राजीव राम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? मैं वोट मांगने का वो कर सकता हूँ, मंत्रिमंडल का कैसे बोल सकता हूँ, तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, और आप स्वयं सोच सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कुछ लायक हूँ कि नहीं।
एक सवाल आओ मऊ जनपद की बात हो रही है, बोले 33% बढ़ाकर 50% कल की बयान दिए थे अगमान में। आप लोग मनोरंजन नहीं करते, आप लोग का टीआरपी नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना, बढ़ता सीधा बोले लोग देखेंगे और उसके बाद और सनसनी खेज आप लिख देते हैं। मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं, मैं यहाँ अपने माँ बाप का औलाद, सवाल चार्ज कर दो, पंचर कर दो,